कैसे हो आप सब? होप सो आप बहुत बढ़िया हो गए। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। और फाइनली आज 3 4 5 आई डोंट नो कितने दिन हो गए, मुझे तो लग रहा है सदियों सदियों के बाद आज मेरे लाइफ अच्छा वर्क किया। तो यस, थैंक यू सो 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 मच माई फैमिली, माई यूट्यूब फैमिली, माई यूट्यूब फ्रेंड्स एंड माई ब्रदर्स एंड माई सिस्टर्स, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने इतना सारा प्यार दिया, इतने सारे कमेंट्स किए और कुछ मेरे चैनल पे नवे आए, प्यारे प्यारे कमेंट्स किए, इतना सारा टाइम दिया, तो आप सबका बहुत 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 धन्यवाद। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं थैंक यू ही बोलूँगी क्योंकि आप सबने मुझे इतना सारा टाइम दिया अपना, इतना सारा प्यार दिया अपना, जो टाइम आप कहीं भी और इन्वेस्ट कर सकते थे वो टाइम मुझे दिया। सो यस, थैंक यू सो मच। एक्चुअली मेरा नेचर है, ठीक है, अगर आप मेरे लिए इतना करते हो तो मुझे बहुत फील होता है। जब मुझे प्यारे प्यारे कमेंट्स करते ना, पता नहीं मैं कैसी हूँ, आई डोंट नो, पर मुझे ऐसा होता है कि अगर किसी ने मेरे लिए किया है ना तो मैं उसे बहुत 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 थैंक यू बोलूँ। मैं उसके लिए जो भी हो सकता है मैं वो करूँ। सो मैं आप सबके लिए दुआ करती हूँ, आप सब खुश रहें और आप सब हेल्दी रहें, वेल्दी रहें, ग्रो करें, ग्रोथ करें। यस और यस और बस। और कुछ खास नहीं होता मेरे इस लाइफ पे, जो न्यू है उनको नहीं पता मेरे इस ब्लॉग में कुछ खास नहीं होता है ये, इसमें बस यही होता है जो आप लोगों से बातें की होती हैं वो शेयर कर सकती हूँ, करती हूँ मैं आपसे, या फिर मैंने जो पूरे दिन में किया होता है वो शेयर कर देती हूँ। कुछ अच्छा होता है, कुछ बुरा होता है वो शेयर कर देती हूँ। तो खैर आज तो कुछ ऐसा था नहीं अच्छा खासा, पर यस अब मेरी हेल्थ थोड़ी बहुत सही हो रही है क्योंकि मेरे लाइफ वापस आ गई। तो यस फेस में ग्लो हो जाएगी, जब मैं स्माइल करूँगी तो फेस में ग्लो आएगी, जब फेस में ग्लो आएगी तो ऑटोमेटिकली मैं सही रहूँगी। सो यस यस ये मेरा रीज़न है, शायद मैं ठीक हो जाऊँ जल्दी। और बस आप लोग बताइए आप सब कैसे हैं, कैसे या मतलब कैसे चल रही है आप सबकी लाइफ, और लाइफ मेरा कैसे चल रहा है, मेरा लाइफ तो मस्त चल रहा है, आप लोग मेरे साथ हो जो। और यस और अभी तो मेरे को लग रहा है कि मुझे अपना ये ब्लॉगिंग अकेले कंटिन्यू करना पड़ेगा क्योंकि यस क्योंकि अब एक तो बहुत कमाते हैं मेरी लाइफ में, आई एम फीलिंग सैड, पर नो इट्स ओके ना। और यस आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि मैं आप लोग के लिए कौन सा गाना सीखूं, क्योंकि आई नो एक्चुअली ऐसा होता है ना, जैसे कि आप लोग कुछ पूछते हो ना तो मेरा माइंड ऐसा नहीं होता, टीचर कुछ पूछ ले और दिमाग ब्लैंक हो जाता है, मेरा वैसा है कि मेरे से कोई कुछ पूछ लेगा ना मैं एक घंटा सोचती रहूँगी क्या है क्या है, मुझे याद नहीं है। ऐसे मुझे बहुत याद रहता है पर जब कोई पूछ लेता है तो मुझे याद नहीं रहता है। सो यस और मैं काफ़ी टाइम से फ़ोन लेने का सोच रही हूँ, लेने का सोच रही हूँ, नहीं ले पा रही हूँ, नहीं ले पा रही हूँ, सोच रही हूँ नहीं ले पा रही हूँ। तो ये सब मैंने फाइनली सोचा कि मैं आईफोन लूँगी। सो आप लोग सजेस्ट करना कौन सा लूँ, अभी लेना चाहिए कि जब हमारा 15 चल रहा है ना मे बी, हाँ अब 16 आएगा आईफोन, तो 16 लेना चाहिए कि 15 लेना चाहिए, कब लेना चाहिए, तो सजेशन देना प्लीज़। और जो मेरे बजट में उतना भी बताना, मेरा बजट कितना है आप लोग ये पूछोगे ना, बजट कुछ भी है, इंस्टॉलमेंट ही करवानी है मैंने, बजट कुछ भी रख लो। यस सो बस इतना ही है कि हाँ, क्योंकि कैमरा क्वालिटी बहुत मैटर करती है, ऐसे में शक्ल बहुत बेकार आती है पर उसमें क्या पता मेरी शक्ल बहुत अच्छी आ जाए। वैसे आप लोग मेरी तारीफ भी कर देते हो, सो यस उसके लिए धन्यवाद। आई नो मैं बहुत ओवर एक्टिंग करती हूँ ना, ऐसा आपको लगता होगा, पर नहीं यार मेरा नेचर है ऐसे, मैं क्या करूँ, मेरा नेचर बहुत अजीब है, कई कई बार तो मेरे को लगता है मैं खुद ही अपने आप को नहीं समझ पाती, मेरा नेचर ऐसा होता है कि मैं क्या चाहती हूँ, मैं क्या बोल रही हूँ, मैं क्या सोच रही हूँ, मैं बहुत ओवर थिंक करूँ, बहुत ओवर थिंक कर, आई डोंट नो क्यों बहुत सोचती रहती हूँ चीज़ें, बहुत सोचती रहती हूँ। और मैं इतना सोचती हूँ ना कि भाई जो चीज़ चीटी की जितनी होती है ना, मैं हाथी के बराबर सोच लेती हूँ, मैं इतना ज़्यादा सोचती हूँ, मेरा माइंड चलते रहते चलते रात को मैं सोंगे ना तो अगर मैं उठ रही तो मेरे को नींद ही नहीं आती है, आई डोंट नो क्यों होता है ऐसा, दो दो तीन तीन घंटे बीत जाते हैं। मैं कई टाइम तो कई बार तो ऐसा होता है ना, अभी तो खैर ठीक है, बीच में मेरे साथ ऐसा होता था ना कि मैं सिर्फ तीन तीन चार चार घंटे सोते थे पूरे दिन में, कोई रेस्ट नहीं, कोई कुछ नहीं, मतलब रेस्ट होता था, फ़ोन चलाती रहती थी, रील्स देखती रहती थी, रील्स से बोर हो जाती थी। अब तो मैं फ़ोन भी नहीं चलाती सच्ची होता, मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो लाइव आते हैं वो चलाती हूँ, उसके अलावा मैं 15-20 मिनट चलाती हूँ मैसेज वैसेज करने के लिए, कॉलिंग के लिए, मन ही नहीं करता हर एक चीज़ से, मतलब कि अजीब सा ही हो गया, पता नहीं कैसा नेचर सा हो गया। तो ऊपर से गर्मी आ गई, इतने बड़े बड़े दिन होते, दिन ही ख़त्म होने का नाम नहीं लेते, पूरा सवेर से लेके रात पता ही नहीं कभी, मंडे नहीं ख़त्म होता कभी मेरा, ट्यूसडे ख़त्म नहीं होता, वेडनेसडे ख़त्म नहीं होता, थर्सडे ख़त्म नहीं होता, फ्राइडे
चलो फ्राइडे मुझे बहुत पसंद है क्योंकि सैटरडे संडे ऑफ होता है, तो फ्राइडे चलो अच्छा बीत जाता है। फिर पता क्या होता है, फिर होता है सैटरडे। जब सैटरडे आते हैं ना, दिल में होल से पड़ने लगते हैं, हाय मंडे मंडे मंडे। मेरा सैटरडे और संडे तो ये सोच के निकल जाता है कि हाय मंडे आ रहा है, और मंडे ऐसा लगता है ना, आई हेट मंडे, सीरियसली आई हेट मंडे। मेरा तो ये डायलॉग है, बहुत ज़्यादा मैं बोलती हूँ, आई हेट मंडे। मंडे सोच सोच के पता नहीं क्यों मंडे मुझे इतना डरावना सा लगता है, कि इतना सारा काम होगा, इतना सारा प्रेशर होगा, पता नहीं क्या क्या सोच सोच के मंडे मुझे इस करके बुरा लगता था। पर स्कूल टाइम अच्छा लगता था मंडे, पता नहीं क्यों अब बुरा लगता है। जैसे जैसे हम बड़े हो रहे हैं, हमारा दिमाग छोटा हो रहा है, मेरा दिमाग तो छोटा हो रहा है मुझे ऐसा लगता है। और यस, और जो न्यू होंगे प्लीज़ माय चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको मेरे ऐसे पागलों वाले ब्लॉग देखने को मिल जाए। और मैं वैसे कुछ खास करती नहीं हूँ, मैं ऐसे ही आईटी मतलब कि वेब डेवलपर हूँ। सो यस, आप लोग आप लोग करियर के रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हो आईटी से रिलेटेड मेरे से। और यस, और आप लोग खुश रहो, खुशहाल रहो, बस और तो क्या ही बोलूँगी। और आप लोग मुझे कमेंट करना, जो न्यू है मे भी वो मुझे कमेंट कर सकते। पुरानों से तो मैं मिलते कर करके थक गई कि मुझे बताओ कि कल के टॉपिक में किस बारे में बात करो, पर वो लोग मुझे बताते ही नहीं, फिर मेरे को कुछ आता ही नहीं, फिर मैं ऐसे आप लोगों से बातें करते रहते हूँ, फिर ऐसे निकल जाता है। या और आज हमारे यहाँ गोलगप्पे की जंग छिड़ी थी, तो मैं बता दूँ कि मैं गोलगप्पे क्यों नहीं खाती हूँ। एक्चुअली मेरे दांतों में समझ जाऊँ ठंडा ठंडा लगता है गोलगप्पे के पानी से। गोलगप्पे वाले भैया हो तो कह सकते नहीं कि नॉर्मल पानी दो मुझे ना, मैं घर पे भी बिल्कुल ठंडा पानी नहीं पीती हूँ। मैं मतलब कि मैं ऐसी लड़की हूँ ना, बहुत छुई मुई सी लड़की हूँ, कि मुझे ठंड में बिल्कुल रहने की आदत नहीं है। मैं जितना मर्जी टेम्परेचर हूँ, मुझे एसी बिल्कुल भी नहीं चाहिए, कभी भी नहीं चाहिए एसी। बहुत देर कि मैं एसी चाहिए, अगर एसी ना भी होगा तो मेरा गुजारा हो जाएगा। मैं ठंडा पानी बिल्कुल भी नहीं पीती। और पता मैं मेरे दांतों में लगता है सिर कि मैं आइसक्रीम भी नहीं खाती। लोग कहेंगे आइसक्रीम क्यों नहीं खाती, मैं आइसक्रीम भी नहीं खाती, मैं इसी करके मैं गर्म भी नहीं खाती ज़्यादा। अब आप लोग बोल लगे दवाई ले लो, तो मैं मेडिसिन लेती हूँ, पर मैं हर एक चीज़ की मेडिसिन नहीं ले सकती, इस करके मैं नहीं लेती हूँ, क्योंकि मैं बहुत मेडिसिन लेती हूँ, बहुत ज़्यादा मेडिसिन लेती थी, सो अब मैं नहीं लेती हूँ। मुझे हर साल टाइफाइड हो जाता था, मैं उसकी मेडिसिन लेती थी। टाइफाइड के बाद फिर मेरे पे वीकनेस आती थी, मैं उसकी मेडिसिन लेती थी। फिर वीकनेस के आने के बाद देखो जैसे मेरे को यहाँ से टाइफाइड शुरू हो जाएगा, और मेरे को टाइफाइड 2-3 महीने रहता है, अगस्त सितंबर तक रहता है, ठीक है। अगस्त सितंबर के बाद सीजन चेंज होता है, उसका बुखार चढ़ जाता है मुझे, ठीक है। फिर उसके बाद वीकनेस वगैरह होती है, वो सेट होती है। फिर आता है नवंबर दिसंबर, उसमें ठंडी में भी कभी भी जुकाम हो जाता है, कभी क्या। फिर बस मसा मेरा फेब सही निकलता है, हाँ फेब मार्च अप्रैल मई 4 महीने सही निकल जाते हैं। फिर जून आ जाता है, मई में मुझे फीवर चढ़ना शुरू होता है, मई अप्रैल में जून 4-5 महीने मुझे रहता है टाइफाइड। 4 महीने तो पक्का ही है, 3-4 महीने तो पक्का है। लोग कहते हैं इंजेक्शन ले लेना, इंजेक्शन भी ले लिया तो कोई फर्क नहीं पड़ा, और होम्योपैथिक मेडिसिन भी ली है। इवन मेरे हेयर फॉल इतना होता है ना, मैं अभी तक हेयर फॉल की मेडिसिन ले रही थी कि मेयर हेयर फॉल क्यों होता है, हेयर फॉल पता नहीं क्यों। मैं सब चीज़ का मुझे इलाज ही पता है क्या है, जो मेरा ओवर थिंकिंग है ना, वही मेरे हर चीज़ का इलाज है। पर यू नो ना, डॉक्टर अपनी दवाई कैसे ले, तो मुझे पता है मेरी दवाई क्या है, ओवर थिंकिंग बंद करनी पड़ेगी। पर मैं कैसे सेट छोड़ सकती हूँ ओवर थिंकिंग को, कैसे छोड़ सकती हूँ, क्योंकि वो तो मेरी आदत है, वो तो मैं बचपन से करती आ रही हूँ। या चलो बाबा, थैंक यू सो मच, आज मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा लाइफ चल चुका, फाइनली इतने सारे लोग आए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।